Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 10 बज चुका है तो मैं सुबह 8 बजे उठ चुका था तो मैं अभी रेडी हो रहा हूँ पर मैं पुणे नहीं जा रहा, मेरा प्लान कैंसिल हो चुका है क्योंकि यार मम्मी बोल रही है, मतलब मेरा प्लान एकदम पहले बना था फिर कैंसिल हो चुका है। क्या हुआ कि है ना, मतलब मम्मी बोल रही है कि वहाँ पे तू जाएगा तो वहाँ पे पहली दूसरी बात की है ना, मतलब वहाँ पे रहेगा कहाँ, मुकेश मामा भी है ना वहाँ पे, है ना दूसरे के वहाँ पे रह रहे हैं ठीक है तो, और फिर एकदम दुकान भी कहीं मिलेगी नहीं तेरे को कि ना तू वहाँ पे नौकरी कर सके। तो इस वजह से मम्मी बोले एक तो होली के बाद जा, तब तक मामा भी जाके वहाँ पे अपने हिसाब से देख लेंगे। वो पुणे में रहते थे पर वो दूसरे के वहाँ रहते थे तो एकदम मैं वहाँ पे है ना जाके है ना सरप्राइज कर दूंगा सबको, तो फिर वो भी क्या कर सकते अगले वाले। तो इस वजह से मैं नहीं जा रहा अभी होली के बाद। मैंने कल मनीष को भी बोला था कि पुणे आ रहा हूँ, सॉरी मनीष यार नहीं आ पा रहा ठीक है, सॉरी यार। फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ तो नया वाला टी शर्ट पहन लिया, थोड़ा बहुत टाइट करवा दिया यहाँ से, क्या थोड़ा ढीला हो रहा था, सो रेडी है तो अब मैं जा रहा हूँ ननिहाल, मुकेश मामा को भी लेके आना है। तो ये मामा की बैटरी है, यहीं पे रह गई थी, टॉर्च बड़ी वाली है तो आती है ना आधा किलोमीटर तक दूर फेंकने वाली, वो वाली है तो ये लेके जाना है घर पे ननिहाल, ये देख के फिर मुकेश मामा को लेके आना है तो वो बिलाड़ा से है ना बस में बैठेंगे। पहले मैं ननिहाल आ चुका हूँ तो मुकेश मामा रेडी है, देख लो तो बढ़िया बैग भी रेडी है, तो यहाँ पे थाली आरती की जाएगी मामा की बैग की। तो प्रिंस भाई सोया हुआ है क्योंकि उसे उठाया तो अभी हंगामा स्टार्ट हो सकता है, प्रिंस भाई रोना स्टार्ट हुआ ना तो बंद नहीं होता, वो वहाँ पे सोया है नाना जी के पीछे चुपचाप, कहीं उठना चाहे यार, जो भी है ठीक है चलता है चलता है मामू। मुकेश मामा को है ना अपने रोडवेज बस में बैठा दिया है तो वो अभी जाएंगे बिलाड़ा, बिलाड़ा से फिर वहाँ पे बड़ी वाली बस है ना जो पुणे के लिए वो वहाँ से बैठेंगे। तो मैं भी है ना जा रहा हूँ बिलाड़ा, वहाँ पे मम्मी का कुछ काम है पर हम गाड़ी लेके जाएंगे ये वाली, पहले मम्मी को पिकअप करेंगे फिर चलते हैं। तो हम भी निकल रहे हैं बिलाड़े के लिए तो ये माल भी देना है, पापा ने ये माल भी दे दिया कि ये भी दे के आ जाना, तो चलो गाड़ी बाहर ही खड़ी कर दी थी। हाँ मुँह तो बांध ले भाई, खतरनाक वाली हवा चल रही है, गरम गरम दिन में गर्मी रात को ठंडी, काफी खतरनाक वाला सीन, और मच्छर तो पूछे को जुकाम लग चुका है। चल बिलाड़ा तो आए थे पर है ना मामा की गाड़ी यहाँ से 5 मिनट पहले ही निकल चुके हैं तो मामा बैठ चुके हैं, वो कोई टेंशन की बात नहीं, अभी अभी कॉल किया है तो बैठ चुका हूँ, वो निकल चुके हैं तो अब एक जगह माल देना है, यही पास ही में है ठीक है, तो माल देके फिर चलते हैं मेरे पापा के ननिहाल। एक अलग से रास्ता इस तरफ जाता है, इस तरफ अंदर की तरफ ही है तो वहाँ पे देखे फिर चलेंगे। हमारे एक सुनसान जगह पे तो इस तरफ से ये कच्चा रास्ता जाता है मेरे पापा के ननिहाल, तो बिलाड़ा से निकल चुके थे तो अब मम्मी को मोबाइल दे रहा हूँ कि थोड़ा बहुत अगर ब्लॉग शूट कर पाए तो देखते हैं कि किस टाइप से करती है मम्मी भी एक ब्लॉग शूट, बढ़िया थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल जाएगा, गजब का लग रहा है ना फूला फूला, इसको ऊंची मगरी कहते हैं, गजब यार ये इतनी कितनी ऊंची है जो। हम यहाँ पे आ चुके हैं तो यहाँ पे बैठी है पापा की मामी सा ठीक है, तो मामा जी तो है नहीं पापा के, तो मामी है और इनके दो बेटे हैं, दो या बेटा है, तीन है ना, हाँ तीन है ठीक है, तो यहीं पे रहते हैं, तो एक का घर यहाँ पे है और दो का घर यहाँ पे है इस तरफ इस ट्रैक्टर के उधर, और एक का घर पीछे है यहाँ पे, तो वहाँ पे भी चलेंगे। इसका इनके एक लड़के का नाम मेरा नाम ही है दिलीप नाम से ही है ठीक है। ये है मेरे पापा की मामी साहब ठीक है, तो मम्मी दोनों बढ़िया आराम से बैठे अंगूर लेके आए थे भाई, ट्रैक्टर है इनके पास तो, और देखो कार तो मतलब यहाँ पे ना पानी है ना बेरे में पानी है, यहाँ पे कहीं पे था यार ये रहा, तो वहाँ पे भी दिखाऊंगा मैं आपको, काफी बढ़िया जगह है, यहाँ पे गेहूँ बोए हुए हैं काफी जगह, तो मैं यहाँ पे भी आ चुके हैं तो यहाँ पे देख लो अंदर से कुछ इस टाइप का है ना, बढ़िया ठीक है भाई। ओ गटर पता नहीं, दिलीप नाम का लड़का है ठीक है, तो वो सभी है ना अपने काम धंधे पे है अभी, तो यहाँ पे देखो कितना बढ़िया है यार, जब का तो बारिश के मौसम में है ना, जब बारिश का मौसम उस समय है ना काफ़ी बढ़िया लगता है यार, उसमें मतलब पूरा खेत भरा हुआ है,
अभी तो कुछ सूखे हैं और इन्हें भी पानी पिलाया जाता है, इस वजह से ये इतने हैं, वरना ये भी नहीं होते। तो देख लो भाई, इस तरफ भी ना कुछ बोया हुआ था भाई। क्या था यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा भाई, काफी मुश्किल से खड़ा हूँ मैं, काफी मुश्किल टाइप से खड़ा हुआ हूँ। गजब का है। तो इस तरफ तो ये मेहंदी है, ये वाली भाई बच गया। ये यहाँ पे एक समय में यहाँ पे छोटा था ना, उस समय यहाँ पे एक बार नहाया था, उसके बाद नहीं नहाया। अभी तो गंदा हो रखा है यार, तो इसके अंदर है पानी, इस कुएं के अंदर पानी है, तो इसको पहले इसमें डाला जाता था, पर अब डायरेक्ट कर दिया सीधा पाइप से। अंदर ट्राई करते हैं देखने की, आप देखो क्या दिखता है। क्या कुछ दिखा? क्या दिखा भाई यार, दिखते हैं, मैं भी देखता हूँ, ट्राई करता हूँ भाई, गिर ना जाऊं, गिर गया तो वापस मुश्किल है, छोड़ो यार, रिस्क नहीं लेते इतना। तो ये पूरे मेथी है, मेथी नहीं नहीं है भाई, मेथी नहीं है, मेथी का कचरा मतलब ऊपर का वाला वो है। यहाँ पे देख लो, वो पूरी मेथी यहाँ पे निकाल कर रखी हुई है, वो गीली है नहीं, सूख गई है अभी तो, और सूखनी बाकी है। तो देख लो येलो इस टाइप की हो जाएगी ना, तो वो पूरी सूख चुकी होगी, अभी तो भी है इसमें। इधर आ, इधर आ, अरे इधर आ। दीपू रुक, दीपू रुक रुक रुक, दीपू रुक ना, शर्मा मत यार। अरे तो ये है ना मनु काका के लड़के हैं दोनों, ठीक है। तो इसका नाम है दीपू, इसका नाम क्या है? प्रियांशी। प्रियांशी बढ़िया नाम है यार, सो स्वीट। हर किसी के साथ ऐसा होता है फर्स्ट टाइम में, वो मतलब वीडियो के सामने आने से, कैमरा के सामने आने से डरता है। हाय, भाई साहब इतना जोर से चिल्लाती है प्रियांशी भाई। इस तरफ आ गई अभी, क्यूट सा ही है ना गाय का बछड़ा। फिलहाल निकलते हैं यहाँ से अभी, तो चलो टाटा दीपू। चुप रही है, डर मत यार, देखो चुप रही है यार। घर पे बैठ के तो देखते हैं, चालू नहीं करेंगे, चाबी अंदर ही है पर चालू नहीं करेंगे हम, हमें पता है भाई चालू नहीं करना चाहिए, वरना कहीं भिड़ भी सकता है। ओ वाओ, क्या सीट है यार, जंपिंग जपंग वाली। एक ट्रैक्टर और खड़ा था, मेरे को लगता है क्या ना बड़े पापा लेके चले गए बड़े वाले। देखो किस टाइप से लग रहा है, ये मैं ऊपर और नीचे हो रहा हूँ, कंफर्टेबल बहुत है यार मतलब। चल भाई चलते हैं हम, टाटा बाय बाय, गाड़ी यहीं पे ही है, ट्रैक्टर लेके चलते हैं ना, मजा आएगा। मैं ना कभी आज तक ट्रैक्टर नहीं चलाया, मतलब ठीक है बैठा हूँ उस पर चलाया कभी नहीं है, जैसे भी चलाई है, दूसरी गाड़ियाँ चलाई है पर ये नहीं चलाई, कार वगैरह भी नहीं चलाई, सिर्फ एक जैसे भी चलाई है फोर व्हीलर में, ना दूसरों की टू व्हीलर, मेरी खुद की टू व्हीलर, बस यही चीज़ है, बाकी ये चीज़ें कभी नहीं चलाई मैंने जैसे भी के अलावा। एक बार चलाई थी जैसे भी, थोड़ी देर के लिए, मैं यहाँ से वहाँ तक के लिए बस इतना सही, वो भी बाकी फोर व्हीलर कभी नहीं चलाई, वो भी एक ही गियर में थी ना इस वजह से। ठीक जावा जाना, ठीक है जावा, ठीक है काके जावा जाना, हाँ। काफी हवा चलने लगे यार, जल्दी चलते हैं, 3:30 हो चुके हैं, 4:15, 3:30 तो उस समय आए थे, अभी 4:15 हो गए, तो हमें लगभग यहाँ पे 1.5 से 2 घंटा हो चुके हैं, तो चलते हैं। घर पे आ चुके हैं, तो लली भाई साहब भी स्कूल से आ गए, तो आते ही तो भाई साहब लाइट जग गई, ललित का नसीब ही खोटे हैं, हम आए तब तक तो लाइट थी, ललित आया लाइट गई। बेचारा यहाँ पे बैठे बैठे पढ़ाई कर रहा है हिंदी की, तो डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अभी कर रहे हैं हम डिनर, बढ़िया दाल चावल है, ऊपर है ना नमकीन भी डाल दिया, ये वाली ये हमेशा की तरह, तो मेरे फेवरेट दाल चावल है, बढ़िया खाते हैं। वीडियो तो कल ही एडिट हो गया था, तो आज अपलोड कर दिया है, तो आपको सुबह बढ़िया आ गया होगा, तो इस ब्लॉग को इंप्लीट करता हूँ। आई होप आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।